हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी की स्टॉक को लेकर बात करेंगे। तो ये सारे कंपनी को मैं आज इसीलिए लेकर आया हूँ, इसीलिए डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारे कंपनी का बिजनेस बहुत ही हाई सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। और जिस कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा परसेंटेज से ग्रो करता है, ठीक उस तरह की कंपनी के स्टॉक में अच्छा परसेंटेज से रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि एक कंपनी का बिजनेस ही सब कुछ होता है। अगर बिजनेस बढ़िया है मतलब रिटर्न बढ़िया, अगर बिजनेस खराब है मतलब रिटर्न भी खराब। ठीक है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अगर जिस कंपनी का इंक्रीज होता ही जाएगा तो आपका रिटर्न भी कंटिन्यूअसली बनता ही जाएगा। तो आपको इसीलिए किसी के बातों में नहीं, अब जिस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए कि कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को चला रही है मैनेजमेंट, ठीक है, कि प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू यानी टॉप लाइन ग्रोथ किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। अगर अच्छे परसेंटेज से ग्रो कर रहा है तो आराम से उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा, बहुत बढ़िया रिटर्न इन फ्यूचर में मिलेगा। तो जल्दी जल्दी सारे कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे और टेक्निकल के ऊपर भी बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अगर पॉसिबल हो तो विदाउट की वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती थी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए एंड सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अगर आप सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर काफी वीडियो बना रहा हूं, आज भी कवर कर रहा हूं कंपनी को, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड का बिजनेस बहुत ही हाई सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। जस्ट अभी शेयर प्राइस 620 रुपीस पे चल रहा है। एक्चुअली काम क्या करता है, देखिए कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट होता है, इस फील्ड में बहुत पुराना कंपनी है। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज एंड इमोबिलिटी इक्विपमेंट एंड साथ अदर्स प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मतलब बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कर में पूरी तरह से लीडिंग प्लेयर है। और बैटरीज और कंपनी का प्रोडक्ट रेलवे इंडस्ट्री में भी यूज होता है और रेल सेक्टर, ये सेक्टर ही पूरी तरह से ग्रो कर रहा है। मतलब रेल सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेयर HBL पावर सिस्टम मिल सकता है। और अभी कबज रेल में जो लगता है कबज सिक्योरिटी सिस्टम, इसके ऊपर भी कामकाज कर रहा है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। और साथ साथ कुछ इमोबिलिटी प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। देखिए मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी प्रॉक्सी प्लेयर बन सकता है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। बहुत एक्सीलेंट कंपनी है, पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा है अपने फील्ड में HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। जस्ट 17,200 करोड़ का कंपनी है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, इधर से मार्केट साइज 30,000 करोड़ जा सकता है, क्योंकि जिस सेक्टर से आता है ये सेक्टर ही मल्टीमिलियन सेक्टर है। स्टॉक का पी है 57, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% क्रॉस कर गया है, बहुत अच्छा रेशियो मेंटेन हो रही है। इस साल कंपनी ने 300 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं 10 पे है, कंटिन्यूअसली ईपीएस ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। डेट सिर्फ 67 करोड़ का है, 100% जीरो डेट कंपनी आप HBL पावर सिस्टम लिमिटेड को कह सकते हैं, क्योंकि देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बोल रहा है 0.06, मतलब पूरी तरह से जीरो डेट कंपनी आप कह सकते हैं। प्रोमोटर के पास 59% से ज्यादा का शेयर है, प्रोमोटर आपने कंपनी को लेकर कितना पॉजिटिव है सब सब क्लियर है। जो तो बड़े इन्वेस्टर HBL पावर सिस्टम लिमिटेड को लेकर भी बहुत पॉजिटिव है। देखिए प्रोमोटर कंसिस्टेंट ये जो 59% स्टेक को होल्ड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। एंड FII देख सकते हैं 4.66% स्टेक को होल्ड कर रहा है, और इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक को इंक्रीज किया है FII ने। एंड DII देख सकते हैं 1.07% स्टेक होल्ड कर रहा है, DII भी HBL पावर सिस्टम लिमिटेड में स्टेक को इंक्रीज किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। बड़े इन्वेस्टर HBL पावर सिस्टम लिमिटेड में धीरे धीरे करके स्टेक इंक्रीज कर रहा है, साफ साफ क्लियर हो जाता है, एंटर कर रहा है बड़े इन्वेस्टर, बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड को। ये डेटा मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है। पिछले 3 साल में रिटर्न 129% एवरेज रिटर्न, और 5 साल में एवरेज रिटर्न 99%। एवरी ईयर इन्वेस्टर का जो फंड है वो डबल हो रहा है, और अभी भी 17,000 करोड़ का कंपनी है, सेक्टर में चल रहा है टेलविंड, अच्छा फंडामेंटल इधर में लग रहा है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड का। इसलिए सब कुछ डेटा देख के मुझे लगता है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक भी ये रिटर्न कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है बट रिटर्न तो कंटिन्यूअसली मिलेगा, सब सब क्लियर हो जाता है डेटा देख। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ माइंड ब्लोइंग, 3 साल के एवरेज सेल को 30% क्रॉस कर गया, प्रॉफिट ग्रोथ तो पूछिए मत, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 160% चल रहा है। 3 सालों से प्रॉफिट ग्रोथ 160% ग्रो कर रहा है, मतलब कितना हाई सीएजीआर से
HBL पावर सिस्टम लिमिटेड का बिजनेस ग्रो करे सब सब क्लियर हो जाता है। और इस तरह का कंपनी रिटर्न नहीं देगा तो और कौन सा कंपनी देगा बताओ। फंडामेंटल तो बहुत बढ़िया है, चलिए एक बार टेक्निकल के ऊपर भी बात कर लेते। टेक्निकल देखिए कितना फैंटास्टिक, फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी का टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंटिन्यूअसली ऊपर है, हायर हाई कर रहा है, इस हाई को एक बार किया उस हाई को दोबारा टच नहीं कर रहा है बैक आके, ठीक है, दूसरा नया हाई बना रहा है, फिर नया हाई, इधर से हायर हाई करके ऊपर जा रहा है और अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखिए इस जगह पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस जगह पर मतलब कंटिन्यूअसली वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइन मेंटेन कर रहा है। बट स्टॉक नीचे से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, देख सकते हैं कितना ज्यादा रैली हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत रुक चाहिए, अभी नहीं। स्टॉक अगर इस लेवल पे मिल जाता है, ठीक इस जगह पर 560 या 61, इस लेवल पे अगर स्टॉक मिल जाता है बाय चांस, मुझे नहीं लगता आएगा, बट अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट सही फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। थोड़ा सा वेट, अगर आप वेट नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप एवरेज आउट करके भी धीरे धीरे करके आप एंटर कर सकते हैं। देखिए स्टॉक एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न करके भी ब्रेकआउट दिया, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है ऑलरेडी, लेकिन स्टॉक एक बार रिटेस्ट किया है, 617 का लेवल को तोड़ दिया था, लेकिन 617 का लेवल को रिटेस्ट कर रहा है अभी स्टॉक, ठीक है, अच्छा लेवल पे चल रहा है। अगर आप चाहे तो इस जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं विदाउट रिस्क, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते 560 का लेवल सबसे बेस्ट हो सकता है, ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव चल। नेक्स्ट कंपनी का नाम है केंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड, अपनी इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है केंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड, 286 रुपीस पे जस्ट शेयर प्राइस अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। क्या कामकाज करता है एक्चुअली रिटेल इंडिया, देखिए नाम से ही पता चल जाता है रिटेल रिलेटेड कामकाज करता है। 1989 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था केंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड, इस फील्ड में बहुत पुराना कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल बिजनेस की कामकाज कर रहा है, अपने शोरूम है कंपनी का गारमेंट का, उस शोरूम में माल बेचता है और खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करता है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, मेंस किड्स एंड वुमेन्स तीनों कैटेगरी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। मेंस से कंपनी टोटली 83% रेवेन्यू जनरेट करता है और वुमेन्स से 10% बाकी का किड्स से जनरेट करता है कंपनी का रेवेन्यू केंटेबल इंडिया लिमिटेड का। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है क्योंकि फैशन इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा क्योंकि इंडिया एक हाई पॉपुलेशन कंट्री है। जिस तरह से तेजी के साथ कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है कंपनी का। चलिए एक बार फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। देखिए मार्केट कैप अभी जस्ट 2300 करोड़, कुछ भी नहीं हुआ है, इधर से मार्केट साइज 3 times इंक्रीज है, 6,000-7,000 करोड़ जा सकता, 39 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है और पूरा इंडस्ट्री चल रहा है 34 पे। अगर केंटेबल लिमिटेड का पी इधर से 50 भी चला जाए, 50 का मल्टीप्लाई भी मिलता है तभी इसका वैल्यूएशन सस्ता ही रहेगा क्योंकि पूरा इंडस्ट्री देखिए 34 पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत बढ़िया मेंटेन हो रही है, डबल डिजिट पे है। इस साल कंपनी ने 61 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट कर, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो कर रहा है। ईपीएस की बात करो 7.4 है, डेट 336 करोड़ का है, ठीक ठाक डेट मेंटेन करके रखा है क्योंकि डेट 1 को मेंटेन कर रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है 1 से ज्यादा नहीं है आपका, इसलिए इसको मैं ठीक ठाक डेट मेंटेन ही कहूंगा केंटेबल लिमिटेड। मैनेजमेंट अच्छी तरह से डेट को मेंटेन कर, 1 को क्रॉस होने नहीं दिया। प्रोमोटर के पास 74% से भी ज्यादा कैश है और बड़े इन्वेस्टर केंटेबल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलिए वो भी डेटा मैं आप लोगों को मेंटेन कर रहे। देखिए प्रोमोटर ने कंस्टेंट 74% मेंटेन, प्रोमोटर के पास ही मैक्सिमम शेयर है। एफआईआई पहले तो कुछ भी शेयर होल्ड नहीं करता था, देखिए इस क्वार्टर में 4.48% स्टेक होल्ड कर, पब्लिक के पास जस्ट 21% शेयर, मतलब एफआईआई केंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। सब सब डेटा देखिए ये पता लग जाए और आप और हम इस कंपनी में क्यों पुलिस नहीं हो सकते, जहां पर बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर भी पैसा बने। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 54%, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 44%, 50% तो रिटर्न मिल ही रहा है इन्वेस्टर को एवरी ईयर, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिटर्न बोलिए चाहे वो शॉर्ट टर्म रिटर्न बोलिए, और आगे भी ये रिटर्न मिलता ही जाएगा। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्या बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ तो 85% क्रॉस कर गया है एंड सेल्स ग्रोथ 34% क्रॉस कर गया है। दोस्तों नेक्स्ट 5 years तक भी अगर इस तरह से ग्रोथ मिलता जाए, इससे आधा भी अगर 25 या 40% से भी प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ मिलता जाए तो केंटेबल लिमिटेड का शेयर प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। अभी तो डीआईआई ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, फ्यूचर में डीआईआई भी
कैंटरबेल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलेगा। बढ़िया बिजनेस चल रहा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल कितना बढ़िया है, स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट इधर में दिया है। देखिए स्टॉक डबल टॉप बनाया, इधर में एक टॉप बनाया, फिर इधर में एक टॉप बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। इधर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। 3-4 महीनों का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, इधर से देखिए 3-4 महीनों से स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, पूरी तरह से स्टॉक जो है वो बुलिश ट्रेंड पे बैठा हुआ है और यही सही टाइम है कैंटरबेल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर। वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, फंडामेंटल के साथ साथ कैंटरबेल लिमिटेड का टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की स्टॉक का नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये दो फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ये फायदा आपको मिल जाएगा और एक फायदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट गाइड भी मिल जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड अगर आप मार्केट में कंटिन्यूअसली अपडेट रहना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं, कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कौन से सेक्टर आगे अच्छा खासा टेलविंड आ सकता है, जिस सेक्टर में अच्छा पैसा बन रहा है, अगर आप ये अपडेट कंटिन्यूअसली फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड। बहुत बढ़िया कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड। 664 रुपीज पे जस्ट अभी शेयर प्राइस मार्केट में चल रही है। 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड एक मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन चलाने वाली कंपनी है जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन एरिया और उत्तर प्रदेश में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पूरा पैन इंडिया बेस काम करने का इरादा है कंपनी का, अभी तो जस्ट शुरुआत है, न्यू स्टेज है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड का, क्योंकि 2008 का कंपनी है, धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है क्योंकि कंपनी का बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है, हॉस्पिटलिटी का बिजनेस कभी बंद होता ही नहीं है, खास करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। चलिए जल्दी से एक बार कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए जस्ट 3,900 करोड़ का कंपनी है, धीरे धीरे मार्केट साइज बढ़ रही है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, 34 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, कितना सस्ता पी के अंदर मिल रहा है। देखिए ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरा इंडस्ट्री 49 पे है और कंपनी का पी कितना, 34, मतलब इधर से 50 का भी पी चला जाए तो भी इसका वैल्यूएशन सस्ता ही रहेगा, क्यों, पूरा इंडस्ट्री अभी 50 पे है। 23 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड 21 का रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही 20% क्रॉस कर गया है रेशियो। इस साल 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करो 13 चल रहा है, ईपीएस के अंदर कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। डेट 84 करोड़ का है, बहुत ही लो रेट कंपनी है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए पता लग जाएगा 0.10, बहुत लो रेट कंपनी, 1 से काफी नीचे। प्रोमोटर के पास 66% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है और बड़े इन्वेस्टर भी स्टॉक को लेकर बहुत पॉजिटिव है। देखिए खास करके छोटे कंपनी में FIIDII का होल्डिंग नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस कंपनी में देखिए FII अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया, 1% स्टेक को इंक्रीज कर दिया है, 5% स्टेक होल्ड कर रहा है जबकि पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 4% स्टेक। DII का देखिए 9.40% स्टेक ओन कर रहा है जबकि पिछले क्वार्टर में 9.30% और प्रोमोटर तो कंसिस्टेंटली 66% स्टेक को मेंटेन कर रही है। पब्लिक के पास जस्ट 19% शेयर है, पब्लिक धीरे धीरे स्टेक को कम कर रही है और बड़े इन्वेस्टर स्टेक को इंक्रीज कर रही है। बहुत बढ़िया कंपनी लग रहा है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर लिमिटेड का, डेटा ये कह रहा है एंड प्लेज्ड करके नहीं रखा है। सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 46% चल रहा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 84% चल रहा है। बहुत ही हाई CAGR से कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, चाहे वो सेल्स ग्रोथ बोलिए चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ बोलिए। चलिए एक बार कंपनी का टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल देखिए अभी स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, 7-8 महीनों से एक ही दायरे पे ट्रेड कर रहा है, बहुत दिनों से 7-8 महीनों से, लेकिन इधर में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मतलब एक्युमुलेट चल रहा है। अगर इस जगह पर आप एक्युमुलेट करना चाहते हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर लिमिटेड को, आप आराम से कर सकते हैं, अभी जस्ट शेयर साइड में चल रहा है। अगर स्टॉक एक बार इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, ये जो लेवल है इस जगह पर,
मतलब 489 या 500 के पार चला जाता है तो बहुत बड़ा रैली आ सकता है। दोस्तों ये था तीनों कंपनी जो अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया कामकाज कर रहा है। सारे कंपनी का बिजनेस बहुत ही हाई सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, जो कि मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाया है। बट ये किसी तरह की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, किसी के बातों में आके तुरंत जाके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। अब अच्छी तरह से समझिए जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा क्या बात है कि उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस रीजन को ढूंढिए, तब आप अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं किसी तरह की सेबी रजिस्टर्ड एनालाइजर नहीं हूं, इसीलिए मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक के ऊपर बाय सेल कॉल रिकमेंड नहीं कर सकता। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड है, उसके साथ कंसल्ट करके आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जानी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये दो फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके फायदा आपको मिल जाएगा, साथ साथ इन्वेस्टमेंट गाइड भी मिल जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों हजारों रुपए स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस भी मिल जाएगा फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।